Uh, areas of individual differences uh, many areas you know a person have and uh, areas uh, can be emotional areas or uh, physical area or uh, social area or age difference or uh, gender difference or uh, aptitude difference or attitude difference so individual differences uh, have uh, a lot of you know different areas, that uh, these differences prevail actually, and everybody has different capacities to respond to the environment. Everybody has different capacity to behave uh, with others, and everybody has different intelligence level to you know work on different tasks, and everybody has uh, different physical appearance, to you know. Uh, to look like. So, it is uh, individual differences are uh, uh, normal differences that uh, parents and teachers should know that. And uh, today, uh, these uh, differences we will come to know about the emotional differences uh, among all these areas of individual differences. Emotional differences, you know, the concept of emotional dis uh, differences, a uh, emotional intelligence ka concept introduced. Bhi अच्छा इमोशनल इमोशंस और फीलिंग्स क्या चीज़ हैं और फीलिंग्स का मतलब ये है कि इंसान का बड़ा सॉफ्ट एरिया है इमोशंस हर इंसान जो है उसके इमोशंस होते हैं अब इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है उसका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है अब इमोशन लैस कुछ लोगों को आप इमोशन लैस भी कहते हैं क्योंकि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं. तो अब दो बहनें या दो भाई अगर हैं तो अगर उनका इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है एक अग्रेसिवली अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करता है या एक्सप्रेस करता है एक बहुत पॉजिटिवली और पोलाइटली मोडेस्टी के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है तो ये जो इमोशंस का डिफरेंस है इट इज़ आल्सो वेरी नॉर्मल एंड इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट हम घर में जब चार बच्चे हैं या तीन हैं या दो हैं तो जब हम उनको डिफरेंटली डील करते हैं पेरेंट्स किसी को ज़्यादा अटेंशन देते हैं किसी को कम अटेंशन देते हैं उससे भी इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा होती है और इमोशनल डिफरेंसेस जो हैं वो पैदा होते हैं और बच्चे समझते हैं कि पहले वाला बच्चा जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है उसको अच्छी चीज़ें दी जाती हैं मुझे इग्नोर किया जाता है वो फिर इमोशनल रिएक्शन दिखाता है तो इमोशनल डिफरेंसेस की रीज़न इन्वायरमेंट भी है और इसकी रीज़न बायोलॉजिकल भी है इसलिए ये जो घर के अंदर फ़र्क है बच्चों के साथ ये इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा करता है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट पे पेश किया गया जिसके मुताबिक Uh, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होगा uh, जो अपने इमोशंस को राइट right वे में और राइट right प्लेस पे और राइट राइट स्टाइल में एक्सप्रेस करता है उसको इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं कि उसको पता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन हर एक के सामने एक्सप्रेस नहीं करनी मैंने किसके साथ अपने फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना है और किस तरीके से करना है और कहाँ पे मुझे अपने इमोशंस को हाइड करने की ज़रूरत है कहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने से ये वो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो उसको अपने फीलिंग्स और इमोशंस को बैलेंस करने का काम करती है सो दिस इज़ कॉल्ड यू नो इमोशनल बैलेंस टू गेट इमोशनल बैलेंस अ पर्सन नीड्स इंटेलिजेंस टू यू नो टैकल हिज और हर फीलिंग्स एंड इमोशंस उसके बाद सोशल एडजस्टमेंट है इमोशनल uh, बैलेंस uh, बड़ा ज़रूरी है सोशल एडजस्टमेंट के लिए सोशल उसी को लोग पसंद करते हैं जो इमोशनली स्टेबल होता है अब जिसका कुछ पता नहीं कब वो गुस्से में आ जाए एग्रेसिव आदमी को लोग पसंद नहीं करते तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाला जो आदमी है उसकी वाइडली एक्सेप्टेंस होती है इसलिए सोशल एडजस्टमेंट के लिए भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है अब देखिए मौका मा देखे बगैर अगर कोई आप काम करें मौका मा देखे बगैर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें तो वो इंटेलिजेंट आदमी नहीं कहलाता इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सोशल एडजस्टमेंट के लिए या सोशली एक्सेप्टेंस के लिए हमें इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है दैट द पर्सन हु इज़ वेरी मॉडेस्ट पोलाइट पॉजिटिव इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एंड पीपल विल यू नो लव टू मेक हिम फ्रेंड एंड द पर्सन हु इज़ एग्रेसिव इम्पेश पीपल दैन पीपल विल नाट लाइक हिम और हर And they will not make him friend. These are general, you know, rules for social adjustment. So, for better social adjustment, a person needs to follow ethical rules, moral rules, and uh, also uh, always, you know, respect uh, for others' emotions and feelings, and always respect for others, you know, rights. Then people will, you know, uh, accept him and will make him friend, and then he will be socially adjusted well.